नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह बैंकिंग का हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम्स हो, चाहे रेलवे NTPC का हो, या बैंकिंग में IBPS RRB IBBS क्लर्क मेंस, कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ करंट अफेयर के लिए यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 17th of February 2021। अब सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। IBPS RRB क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस इसके एग्जाम्स के लिए GK तैयार कर रहे हैं, तो GK के लिए एक मैंने ये सेम थंबनेल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसे ही थंबनेल का एक वीडियो बनाया है। इसमें कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैंने PDF रखे हैं, जाके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट PDF है, आपकी 100% श्योर हूँ एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। ओके, तो प्लीज आप इस PDF को एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। मैं डेली बेसिस पे आपके साथ बताता हूँ, आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का एक कंप्लीट PDF मैंने दे रखा है, अप्रैल से लगाकर दिसंबर मंथ का। इसको कर लीजिए, मेरी गारंटी है एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा अगर आपने होनेस्टी के साथ इसको तैयार कर लिया है तो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, कोई चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आपको पे नहीं करना, ओनली फॉर आपको डाउनलोड करना है जो सब कुछ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग वीडियो के जो मैंने बताया था IBPS RRB क्लर्क मेंस और क्लर्क मेंस की तैयारी में, GK तैयार कर रहे हैं उस वीडियो मैंने सब कुछ बता रखा है। ओके, उसी प्रकार इम्पोर्टेंट ऑब्चुरीज है राइट, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, जून से लगाकर दिसंबर मंथ की कंप्लीट ऑब्चुरी का एक PDF मैंने दे दिया है। ओके, जून से लगाकर कंप्लीट ऑब्चुरीज है, इसमें कंप्लीट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी इस PDF को भी एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ओके, ये बुक भी इस पर मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स का एक डिटेल्स में PDF मैंने दिया है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट PDF है यह भी। ओके, पर्टिकुलर कौन इसकी ऑथर है, किसने इस पुस्तक को रिलीज किया है, किसने इस पुस्तक को लिखा है और क्या है इस पुस्तक का नेम। और उसी प्रकार जैसे सभी महत्वपूर्ण दिवस इम्पोर्टेंट डेज ऑल ओवर इम्पोर्टेंट डेज नेशनल्स और इंटरनेशनल स्टेट सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, देख लीजिएगा। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सेम थंबनेल का एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया भी है राइट, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इन PDF को। PDF के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इस अदरवाइज कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है जैसे ही जनवरी मंथ की 2021 राइट, जनवरी 2021 की माय डियर स्टूडेंट्स एक PDF मैंने दिया है, टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस हैं इसमें राइट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट PDF है। टॉप
टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस इसमें मैंने डाले हैं, जिसमें स्टैटिक हो गया, बैंकिंग गवर्नेंस हो गया, सभी कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ये कल का क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चंस था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल सून बिकम इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारत का जल्द ही डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा, राइट? तो वह बनेगा, वह सिटी है, दैट इज द पटना, बिहार के पटना, राइट? भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर यानी कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, बन जाएगा, दैट इज द पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर थे नीतीश बाबू, फागू चौहान, राइट? सभी ने नाम सुना होगा फागू चौहान, जो कि रिसेंट में बिहार के गवर्नर हैं। पटना यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपकी बिहार में ही स्थित है। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण नेशनल पार्क, वह भी आपका बिहार में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा, वेस्ट चंपारण नेशनल पार्क। ओके, तो बिहार की कैपिटल हो गई पटना। पटना में पहला डॉल्फिन सेंटर है जिसका जो बनाया जाएगा, राइट? एंड बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा आपसे नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से यह आते हैं, राइट? और बीजेपी के यहाँ पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, तारकिशोर प्रसाद शर्मा जी और रेणु देवी, राइट? ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में रिसेंट में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो यही से ही बनते हैं। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया, तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज पे, एंड बिफोर दैट, पहले सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में, इम्पॉर्टेंट अगर कोई बुक्स हो गई बुक्स के बारे में, फिर इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज रहेगी। ओके, यानी कि डेज का एक रिविजन कर लेते हैं, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो न्यूज जोड़ते हैं उनको पता चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल 2nd of February को, इस दिन आपके वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट? वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है 2nd of February को, 2 फरवरी को यह दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट है 4 फरवरी, 4 फरवरी को माय डियर स्टूडेंट्स आपकी वर्ल्ड कैंसर डे, राइट? वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में बनाया जाता है 4 फरवरी को। इस दिन श्रीलंका अपना नेशनल डे ऑफ श्रीलंका का नेशनल डे भी इसी दिन बनाया जाता है 4 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट टाइम, एक सेकेंड, नेक्स्ट 10 फरवरी, राइट? दस फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, राइट? विश्व दलहन दिवस है, जो कि आपका 10 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 13th of February को, आज आपके 17, तो 13 के लिए इम्पोर्टेंट है, एक दिवस बनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। यह पूछ सकता है इस बार के एग्जाम्स में, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस, जो कि आपका 13 फरवरी को बनाया जाता है। एंड एक दिन 13 फरवरी को एक और डे बनाया जाता है, दैट इज द नेशनल वुमेन्स डे, राइट? राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि आपका 13 फरवरी को ही बनाया जाता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके? और राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि सरोजनी नायडू, आप सभी ने नाम सुना होगा, आप सब परिचित हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में, जिनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी थी, राइट? बर्थ एनिवर्सरी यानी कि लगभग 142 साल कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? तो
उनकी जन्म जयंती पर यह दिवस आपके बनाया जाता है, राइट। नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, ओके, ध्यान रखिएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 तारीख यानी कि 2 सेकेंड ऑफ फेब को वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे, एंड 4th ऑफ फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, एंड देन 10th ऑफ फेब को वर्ल्ड 10th ऑफ फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस, एंड 13 फरवरी को नेशनल्स वुमेन्स डे, सरोजनी नायडू जी की जन्म जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, ओके। ध्यान रखिएगा, बीच बीच पर एक क्वेश्चन पूछता है तो सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूज पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल से माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा। किरण बेदी, राइट, किरण बेदी आप सभी परिचित हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा किरण बेदी का। किरण बेदी रिमोट एज ए पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। किरण बेदी हैं जिनको कल शाम, राइट, कल शाम की बात है, राइट, कल शाम को उनको हटा दिया है आज लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के पद से, ओके, किरण बेदी जी को, क्लियर, याद रखिएगा। पुडुचेरी में यह पहले राज्यपाल थी, देन उसके बाद अब कल के डिसीजंस में राष्ट्रपति द्वारा इनको उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है, ओके, क्योंकि वहां के जो गवर्नमेंट है वहां पर आप सभी को मालूम होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, नारायण स्वामी, राइट, एस नारायण स्वामी है जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके कुछ विधायक हैं, राइट, जो इनको बहुमत मिला था, बट कुछ विधायक ऐसे हैं जो एक दो दिन में कंटिन्यू बैक टू बैक आपके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं, ओके। तो उसके बाद वहां की जो गवर्नमेंट है उनको एक तरह से पूरा का पूरा बहुमत का आंकड़ा नहीं होने की वजह से वहां की जो सरकार है वो पूरी तरीके से खतरे में है, ओके। तो इस कारण माय डियर स्टूडेंट्स कुछ पॉलिटिकल्स इंटरफेयर हुआ होगा, तो वहां की जो उपराज्यपाल से पुडुचेरी की आपकी किरण बेदी, उनको वहां से हटा दिया गया है। अभी किरण बेदी की जगह किसी भी राज्यपाल तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, नाम याद रखिएगा, तमिलसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल है, उनको एडिशनल चार्ज के रूप में आपकी पुडुचेरी का कार्यभार भी दिया गया है, ओके, ध्यान रखिएगा। अभी तक अपन जो पढ़ा है एडिशनल चार्ज के रूप में एज अ गवर्नर, तो गवर्नर में एक तो हो गया पुडुचेरी का जो तेलंगाना की गवर्नमेंट वो करेगी, एक है आपका मध्य प्रदेश का जो कि आनंदीबेन पटेल यूपी की का गवर्नर है, वह आपके मध्य प्रदेश को भी संभाल रही है, एक हो गया गोवा जो कि भगत कोश्यारी है जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, वो गोवा को भी देख रहे हैं, ओके। ध्यान रखिएगा, सब चीजें क्लियर होते जानी चाहिए, क्लियर, समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ममता बनर्जी, राइट, ममता बनर्जी लॉन्चेज मा स्कीम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड बिल्स टू पुअर, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, आप सभी को मालूम है रिसेंट में हाइलाइट्स पोजीशंस पर देखें तो पश्चिम बंगाल की एक ना एक न्यूज तो होती ही रहती है, ओके, क्योंकि वहां पर अब इलेक्शंस आने वाले हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग ब्लेम खेलेगी, अलग अलग स्कीम लॉन्च करेगी क्योंकि वहां पर इलेक्शंस अब नियर है, ओके। तो उसी कड़ी में ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 5 रुपए, राइट, 5 रुपए प्लेट एक माँ स्कीम के नाते उस एक योजना की शुरुआत की है, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना जो कि पहले अन्नपूर्णा योजना हुआ करती थी, उसी प्रकार माँ नामक एक स्कीम, माँ नामक एक योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर से, यानी कि 5 रुपए में भर प्लेट, राइट, खाना खा सकते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर है जयदीप धनखड़, ध्यान रखिएगा, ओके।
नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज द मीट मीट प्रीति शिना, इंडियाज ओरिजिन्स बैंकर हु इज लीडिंग्स एंड कैपिटल्स डेवलपमेंट फंड, राइट। प्रीति शिना है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि जिनको एग्जीक्यूटिव एक एग्जीक्यूटिव के रूप में, एग्जीक्यूटिव जो जो फाइनेंशियल्स होते हैं राइट, उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है राइट, UNCDP राइट, UNCDF यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल्स डेवलपमेंट फंड राइट, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल्स डेवलपमेंट फंड राइट। वहां पर इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रीति शिना जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। रिसेंट में यूएस की यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल्स डेवलपमेंट फंड यानी कि UNNations डेवलपमेंट कैपिटल्स फंड राइट, UNDCF इसका हेडक्वार्टर है जो कि यूनाइटेड स्टेट में है राइट, ध्यान रखिएगा। ओके, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च में 46वें 46 आपकी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं जो बाइडन राइट, जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। कमला हैरिस जो कि एक इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है राइट, वह पहली बार एज अ वुमेन्स उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई है। और बहुत सारे ऐसे इंडियंस कम्युनिटीज हैं, इंडियंस हैं जिनको आपकी अमेरिका में, यूएस में अलग अलग तरीके से पद दिए गए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रीति शिना जो कि UNCDF में आज एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल्स के बेसिस में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक एम्बेसडर्स हैं, सीएट यानी कि आप सभी को मालूम होगा सीएट क्या होता है, सीएट टायर राप्स इन राणा डगुबटी एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर न्यू रेंज ऑफ बाइक टायर्स राइट। राणा जगुपति है जो कि सीएट टायर, आप सभी ने नाम सुना होगा, उसके सदर्न जो स्टेट हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा, राणा जगुपति। ओके, नेक्स्ट है एक ऑबिचुरीज है माय डियर फ्रेंड्स, नोटेड जूरिस्ट रामा जोयस पास अवे राइट, रामा जोयस है जिनका निधन हो चुका है, वह जज रह चुके हैं और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं राइट, रामा जोयस। ओके, नाम ध्यान रखिएगा, नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पर्टिकुलर प्रोफेशंस भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज एक बार थम्सअप बटन पे जरूर क्लिक करते चलिएगा। तो ये तो थी आपके लिए न्यूज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ डेली बेसिस पे एक ना एक, हु इज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मंथ अवार्ड, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है राइट, प्रथम प्राप्तकर्ता राइट, तो वह कौन बना है, बेन स्टोक्स, विराट कोहली, ऋषभ पंत या अजिंक्य रहाणे, व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है राइट, सर्च करिएगा। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं, डेली बेसिस पे चैनल्स पे विजिट करते हैं, मेरी गारंटी है यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, बाकी आप सर्च कीजिएगा ताकि और भी आपका नॉलेज है जो इम्प्रूव हो सके। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं मेरा आईडी, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल्स का लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो एंड अप करते हैं, अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का,
आई होप यू आर एन्जॉय द सेशंस. इफ आई एन्जॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स.